आज की वीडियो में बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के पीएम किसान से जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है उसमें जो भी संबंधित पात्र हैं उनको कितने आपके गांव से या कितने आपके तहसील में कितने लोगों को अपात्र किया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट आप देख सकते हैं sara.mp.gov.in इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पे देखिएगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेंट ऑफिस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया। आप देख सकते हैं फाइनेंसियर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, अभी मैंने यहाँ पे देखिए फाइनेंसियर 2024-25 सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट नंबर, तो 2024-25 में आपको कौन सा इंस्टॉलमेंट मिला है उसको देख सकते हैं। एक दो यहाँ पे कर सकते हैं, अभी दूसरा इंस्टॉलमेंट मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका जिला है वो यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने अपना यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं आप जो भी आप तहसील से बिलोंग करते हैं वो तहसील यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने आपकी तहसील अपनी सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद आप देख सकते हैं आप पे यहाँ पे पात्र अपात्र दिए गए। तो जो भी पात्र हैं उनका नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो पात्र कहा जाएगा। जो भी अपात्र कर दिए गए जो पीएम किसान की जो KYC हुई उसके द्वारा अपात्र कर दिए उनका नाम यहाँ से आ जाएगा। तो आप ये अपात्र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो गाडरवाला तहसील में जितने भी ये देख सकते हैं खैरी कला में एक को यहाँ से अपात्र किया गया और दिंगोरी में एक को यहाँ से अपात्र किया गया, मतलब कुल मिलाकर गाडरवाला तहसील में दो लोगों को यहाँ से अपात्र किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेज का डिटेल भी आप यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं और जो फार्मर डिटेल था जिसमें उसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर डिटेल जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन ID रहता है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते सर्च बाय पीएम किसान, तो आप देख सकते हैं पीएम किसान ID यहाँ से भी आप उसका देख सकते हैं, उसका यहाँ से ID के यहाँ से नोट करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो इस पर अपना जो भी आपके गाँव के पात्र या पात्र हैं उनकी जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।